चलिए तो किसान भाइयों एक नजर डाल लेते हैं धान के ताजा भाव की तरफ किसान भाइयों मंडियों से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि धान के भाव में तूफानी देखने को मिल रही है बात करें स्पेशली ग्यारह इक्कीस की तो कल के मुकाबले आज लगभग डेढ़ रुपए की भयानक भयंकर तेजी देखने को मिली है किसान भाइयों तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं टॉप में आज भाव क्या रहा है ग्यारह इक्कीस का बाकी धान की सभी किस्मों में काफी अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं आपको इस वीडियो में देश की सभी बड़ी और प्रमुख मंडियों की धान की सभी किस्मों की चाहे वो ग्यारह इक्कीस सत्रह चौदह जीरो एक पंद्रह जीरो पंद्रह जीरो नौ पीवी

प्रति देखने को मिला है कल ये भाव पचास रुपए के लगभग था आज यहाँ तेजी सौ डेढ़ सौ रुपए की कोटकपुरा मंडी में देखने को मिला है आज बात करें मैनपुरी मंडी की तो यहाँ किसान भाई जीरो सौ से लेकर बाईस रुपए प्रति क्विंटल अठारह सौ रुपए प्रति क्विंटल मैनपुरी मंडी में अठारह सौ पचास रुपए मिला है राधौर तो तीन हजार पांच रुपए प्रति के हिसाब से राधौर मंडी में बिका है आज खरकोदा मंडी में किसान भाइयों पंद्रह जीरो नौ तीन हजार अड़तालीस रुपए प्रति क्विंटल ग्यारह का भाव काफी जबरदस्त चौतीस सौ बासठ रुपए प्रति क्विंटल और सत्र उन्यासी रुपये प्रति क्विंटल और कम्बान क्वालिटी का पंद्रह जीरो नौ का भाव आज करोदा मंडी में अट्ठाईस सौ इक्यावन रुपये प्रति क्विंटल रहा है कलायत मंडी की बात करें तो यहाँ पंद्रह जीरो नौ हाथ क्वालिटी का तीन हजार बावन रुपये प्रति क्विंटल सतट डादान कमांड क्वालिटी का उन्तीस सौ पचानवे रुपये प्रति क्विंटल और बोलिए अभी बीस हज़ार यह किसान भाई हो रोहतक मंडी की बात करें तो यहाँ किसान भाइयों पंद्रह जीरो नौ का भाव हाथ क्वालिटी का तीन हज़ार पचास रुपये प्रति क्विंटल कम्बान क्वालिटी अट्ठाईस सौ रुपये प्रति क्विंटल और ग्यारह किस का भाव तैतीस सौ ग्यारह रुपये प्रति क्विंटल रोहतक मंडी हरियाणा में देखने को मिला है पिल्लू गेड़ा मंडी हरियाणा की बात करें तो यहाँ ग्यारह के हाथ क्वालिटी का चौथी सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल सतराटा दान हाथ क्वालिटी का बत्तीस सौ बयालीस रुपये पंद्रह जीरो नौ हाथ क्वालिटी का इकतीस सौ बानवे बयालीस रुपये और कम्मान क्वालिटी का उनतीस बारह रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पिल्लू गेड़ा मंडी हरियाणा में बिका है आज नो मंडी की बात करें तो यहाँ पंद्रह जीरो नौ का भाव किसान भाई अट्ठाईस सौ पचहत्तर रुपये हाथ क्वालिटी का और कमान क्वालिटी का सत्ताईस रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पंद्रह जीरो नौ मंडी में बिका है डबरा मंडी में पंद्रह जीरो नौका चौबीस सौ पचास से लेकर सत्ताईस सौ पच्चीस रुपए प्रति क्विंटल और आज के लगभग सात हजार बैग्स की देखने को मिली डबरा मंडी में गणमत्तर सुमंडी उत्तर प्रदेश की बात करें किसान भाई तो यहाँ पंद्रह जीरो नौ हाथ क्वालिटी का अठाईस सौ से लेकर अट्ठाईस सौ इक्यावन रुपये प्रति क्विंटल कंबान क्वालिटी का छब्बीस सौ से लेकर सत्ताईस सौ पचास रुपये सुगंधा दान चौबीस सौ से लेकर चौबीस सौ इक्यास रुपये प्रति क्विंटल सरवती दान का भाव दो हजार पचास से लेकर इक्कीस सौ ग्यारह रुपये आर दान किसान भाइयों दो हजार से लेकर दो हजार पचास रुपये और आपके लगभग दस हजार देखने को मिली थी सारे के सारे धान किसान भाई हाथ क्वालिटी के थे अब बात कर लेते हैं जीत मंडी की तो यहाँ का ग्यारह के हाथ क्वालिटी का चौतीस सौ रुपए प्रति क्विंटल सत्रटाया धान हाथ क्वालिटी का तैतीस सौ रुपये क्वालिटी का सत्रटाया धान का भाव तीन हजार बयालीस रुपए प्रति क्विंटल पंद्रह जीरो नौ हाथ क्वालिटी का इकतीस सौ छह रुपए और किसान भाई कमान क्वालिटी का पंद्रह जीरो नौ प्रति क्विंटल हिसाब से बिका हुई सरवती का भाव इक्कीस सौ पचास प्रति क्विंटल जीद मंडी में देखने को मिला है रतिया मंडी की बात करें तो यहाँ पंद्रह जीरो नौ का भाव तीन हजार पचास प्रति क्विंटल पी बंद उन्तीस सौ और चौथे जीरो एक का भाव इकतीस सौ साठ प्रति क्विंटल देखने को मिला

बात करें ग्यारह इक्कीस की कम्मान क्वालिटी का बत्तीस सौ चवालीस से लेकर सन बायू बाईस रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कम्मान क्वालिटी का बिच्चा तरन्तरायन मंडी में ग्यारह इक्कीस धान अब बात कर लेते हैं पगवारा मंडी की तो यहाँ किसान भाई पंद्रह जीरो नौ तीन हजार पाँच रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है फतेहगढ़ मंडी चूरिया पंजाब की बात करें किसान भाइयों तो यहाँ किसान भाई पंद्रह जीरो नौ का भाव सत्ताईस सौ पचास रुपये सितड़ाधान बत्तीस सौ पत्तीस रुपये ग्यारह इक्कीस का भाव बत्तीस सौ साठ रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला फतेहगढ़ चूरिया मंडी में किसान भाइयों बपोली मंडी में ग्यारह इक्कीस पैंतीस सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका जो अब तक का टॉप भाव देखने को मिला है किसान भाइयों अब बात करते हैं बूंदी मंडी राजस्थान की तो यहाँ सत्र छब्बीस सौ से लेकर उन्तीसौ बीस रुपए प्रति क्विंटल और पांच हजार बैक्स की आवक रही पंद्रह जीरो नौ किसान भाइयों चौबीस सौ से लेकर अट्ठाईस इक्कीस रुपए प्रति क्विंटल राजस्थान की बुधी मंडी में दस हजार बैक्स की आवक देखने को मिली है सुगंधा धान का भाव इक्कीस सौ से लेकर पच्चीस सौ इक्यानवे रुपए प्रति क्विंटल और पंद्रह सौ बैक्स की आवक रही अब बात कर लेते हैं सिरसा मंडी की तो यहाँ किसान भाई नरमा का भाव साढ़े सात हजार रुपए से लेकर आठ हजार दो सौ एक रुपए प्रति क्विंटल कपास का भाव सात हजार से लेकर सात हजार तीन सौ बीस रुपए सरसम का भाव सात हजार से लेकर साढ़े सात हजार रुपए प्रति क्विंटल और ग्वार का भाव त्रेपन सौ से लेकर पांच हजार सात सौ पचहत्तर प्रति क्विंटल देखने को मिला है पंद्रह नौ की बात करें तो यह सिरसा मंडी में छब्बीस सौ से लेकर तीन हजार इक्यावन रुपए प्रति क्विंटल और चौधरी जीरो का बा सिरसा मंडी में सत्ताईस सौ से लेकर उन्तीसौ बासठ रुपए प्रति क्विंटल लिखने को मिला है किसान भाइयों आपको बता दूं नरमा के भाव में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है कुछ दिनों से ये नरमा 8000 से ऊपर देखने को मिल रहा है तो काफी भयंकर जबरदस्त जब तेजी देखने को मिल रही है अगर आप चाहते हो कि हम पूरी कवरेज रखें तो इस चैनल पर तो नहीं हो पाएगा किसान भाइयों क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर किसान धान वाले हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं धान की ही वीडियो डालता हूँ लेकिन अगर आप अगर चाहते हो अनाज की सभी फसलों के चाय बोन लहसुन प्याज सरसों सोयाबीन और अनाज मंडी की सभी मंडियों के ताजा भाव की अपडेट तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो देखने के बाद वो लिंक जरूर

तो फतेहाबाद मंडी में नरमा किसान भाइयों साढ़े सात हजार से लेकर आठ हजार पचास रुपए प्रति क्विंटल कपास का, का भाव किसान भाइयों यहाँ पे सात हजार से लेकर सात हजार चार सौ पचहत्तर रुपए पंद्रह जीरो नौ धान किसान भाइयों फतेहगढ़ मंडी में फतेहाबाद मंडी में छब्बीस सौ से लेकर तीन हजार रुपए प्रति क्विंटल अब बात करें रानिया मंडी की किसान भाइयों तो यहाँ पंद्रह जीरो नौ का भाव उन्तीस सौ रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला है सतड़ा धान उन्तीस सौ पंद्रह रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रानिया मंडी में बिका है तो किसान भाइयों ये थी अब तक की ताजा रिपोर्ट उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी आपको अपनी मंडी का भाव भी मिल गया होगा अगर किसान भाइयों नहीं मिला है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और किसान भाई आप वीडियो कहां से देख रहे हो वो भी आप कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कहां कहां तक जाती है और आप अपना नाम भी प्लीज कमेंट में जरूर कीजिए या मंडियों से जुड़ी जो भी आप आपको संशय हो या जो भी जानना चाहते हो रिलेटेड कुछ भी मंडियों से जुड़ा हुआ वो आप कमेंट कर सकते हो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी तो चलिए किसान भाई उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ला चलिए किसान भाई मिलते हैं एक नई वीडियो में